नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन में किस तरह की मूवमेंट बैंक निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी देखिए, मैं कंटिन्यू जब मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी तो वहाँ पर मैंने आप लोग को ये चीज़ें ध्यानपूर्वक बताई थी कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायर जो वेट कर रहा है वो वेट कर रहा है 44,055 का, क्योंकि 44,055 एक रजिस्टेंस एरिया है। हम यहाँ पर गए तो जरूर, लेकिन किसी भी दिन ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई, हम गैप अप ओपन हुए। गैप अप ओपन होने के बाद हम नीचे आए, वापस हम एक दिन ऊपर ही रहे, लेकिन उसके बाद हमने यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद कंटिन्यू हम कंसोलिडेट करने लगे। जब हम कंसोलिडेट करने लगे तो लास्ट वीक जब मैंने वीडियो डाली थी मंडे को, आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी, तो वहां पर मैंने ये क्लियर पॉइंट किया था कि 44,055 के ऊपर होगा क्या। देखिए 44,055 के ऊपर यहां पर क्या हो रहा कि यहां पर जो भी ये मूव हो रहा है ना, ये मूव आप देख रहे हो, यहां पर जो रेंज बनी है पिछले 5-6 दिनों की जो रेंज थी, जो 43,600 43,500 से लेकर के 44,000 के बीच की जो रेंज बन रही थी, तो यहां पर क्या था, 44,055 था वो 44,055 जो सेलर था उनका एसएल था। यहाँ पे ये एसएल था 44,055 का। 44,055 के ऊपर निकलता तो सेलर को काफ़ी लॉस होता, तो वो क्या करते अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते, तो उनका जो स्टॉप लॉस था वो 44,055 था। जो बायर थे उनका एसएल कहाँ पे बनता, 43,400 43,450 43,500, ये बायर के सेल था। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता तो बायर अपनी पोजीशन को कट करते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो सेलर अपनी पोजीशन को कट करते हैं और यहाँ पे नए बायर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो बायर कुछ नहीं कर रहा, देखिए जो बायर यहाँ पे बीच में पोजीशन बना रहा है वो तो बना ही चुका है, जो बायर या सेलर वेट कर रहे थे, तो मार्केट इसके ऊपर निकलता तो वो बायर एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट इसके नीचे निकलता तो वो सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे मार्केट ने 44,055 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करना स्टार्ट किया, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि अगर 44,055 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है, उसके ऊपर कंटिन्यू बना रहता है, तो फिर जो हमारे मूव हो सकते हैं वो 44,800 44,888 तक का मूवमेंट बैंक निफ्टी वहां पे पहुंच सकता है। तो काफी अच्छी मूवमेंट आज यहां पे देखे गया है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा ये रजिस्टेंस एरिया भी है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस एरिया यहां पर निकल के आएगा, जो कि 44,888 से लेकर के 45,022, ध्यान रखिएगा 45,022 और 44,888, ये एक रजिस्टेंस एरिया होगा बैंक निफ्टी के लिए। ये जो 150 पॉइंट का एरिया है ये एक रजिस्टेंस एरिया है, तो इसी बीच में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी जिनके पास पोजीशन होगी वो लोग तो क्या करेंगे, लास्ट डे का एसएल, जैसा कि मैं कंटिन्यू बताते रहता हूं, अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो लास्ट डे का एसएल लेके लोग यहां पे चलते रहते हैं। अब जो लोग नई पोजीशन बना रहे, मान लीजिए किसी ने कल पोजीशन बनाई तो उसका एसएल बहुत दूर बन जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी ने कर दी। बैंक निफ्टी लगभग आज 700 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर दी है। और कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, लगता मार्केट भूल गया था कि एक्सपायरी कल है, तो बैंक निफ्टी में सारी कवरिंग आज हो गई। तो जैसे मार्केट 44,055 के ऊपर निकला सारे शॉर्ट कवर होने लगे, उसके बाद 44,500 के ऊपर निकला तो और जो शॉर्ट बचे हुए थे, जो आज डेवलप हुए थे, जो आज बने होंगे, और जो पुराने शॉर्ट थे वो भी शॉर्ट कटने लगे, इसलिए मार्केट ने क्लोजिंग यहां पे 44,582-583 के आसपास मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है। लेकिन अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज होगी वो रेंज है 44,888 से लेकर के 45,000, ये इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि इस रेंज के पास में यहां पे ध्यानपूर्वक देखिए, तो ये यहां पे बैंक निफ्टी ने काफी टाइम इस जगह बिताया हुआ है। यहां पे देखिए, यहां पे रेजिस्टेंस इसने लिया, जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो हम यहां पे 46,000 के आसपास पहुंचे। यहां पे ध्यान देंगे तो जैसे हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम नीचे आए, तो इसी रेंज के आसपास हमने सपोर्ट लिया। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से तो ये काफी अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रेंज है ये बहुत अच्छी रेंज यहां पर बैंक निफ्टी की ये बनी हुई है। तो इस जोन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जब भी इसको क्रॉस किया है, यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, एक फ्लैग बटन बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने टाइम बिताया, इसको ब्रेकडाउन किया, तो इसको ऊपर जाने में फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम हो रही है। तीन बार हमने कोशिश की, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर निकले, ऊपर निकलने जैसे ऊपर निकले हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली, वापस हम 46,000 के आसपास पहुंचे, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता, देखिए इसी जगह पर वापस टाइम बिताता, और टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन होता है, फिर कोशिश करता है लेकिन इस रेंज को निकाल नहीं पाता। यहाँ पर भी देखिए इसने कोशिश की, अब वापस हम इसी जगह के आसपास आ गए, तो मार्केट अगर यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को निकलता है तो ये मूवमेंट आपको कहाँ तक वापस लेके जा सकती है, फिर इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन जो बनेगी वो बनेगी 45,666 से लेकर के 45,888 के बीच में, फिर हमारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा, ये जो जोन होगा ये रेजिस्टेंस एरिया फिर बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। आप चलिए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और क्या एक्सपायरी भी हो सकता है, तो हम उसके लिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और आज की मूवमेंट को भी थोड़ा समझ लेते हैं।
अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है 44,000 के ऊपर। मार्केट 44,000 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा इंतजार करता है, लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग वाले। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए अगर किसी के पास शॉर्ट की पोजिशन होगी तो अगर उसका स्टॉप लॉस 44,000 का उसने लगा के रखा होगा ना, तो जब अगले दिन मार्केट 44,000 के पास ही खुल जाता है ना, तो हमारा माइंड सेट है कि हम स्टॉप लॉस को 50-60 रुपये ऊपर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो लोग, सेलर इंतजार कर रहे थे कि शायद मार्केट 44,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, जिससे उनका जो लॉस हो रहा है वो शायद थोड़ा सा कम हो। लेकिन मार्केट 44,000 के आसपास ही टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद जैसे वो 44,055 की रेंज को निकालता है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में बढ़ने लगता है। और यहाँ पे देखेंगे कभी भी मार्केट ने अपने पिछले जो लो, यानी जो आज का इंट्राडे में जो मार्केट ने लो बनाया है, उस लो को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं है। यानी बायर हर जगह पर, बायर यहाँ पर एक्टिव हो जा रहे थे। जैसे मार्केट में 50-60 पॉइंट का करेक्शन, 100 पॉइंट का करेक्शन आ रहा था, यहाँ पर बायर एक्टिव हो जा रहे थे, क्योंकि बायर को अब ये पता चल गया था कि 44,055 उनका एसएल बन चुका था। अब जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे वो लोग अपना एसएल 44,055 यहाँ पे लगा के बैठे होंगे। जो लोग यहाँ पे बाइंग किया, जिन लोगों ने सुबह सुबह ही बाइंग किया होगा, उन लोगों ने अपना एसएल यहाँ पे 44,000 के नीचे, यानी 44,950, 44,900 का एसएल लगा रहे होंगे। और उसके बाद मार्केट जैसे जैसे ऊपर की चलता गया, वो लोग अपना एसएल भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलते यहाँ पे लेके चलते गए। मार्केट काफ़ी ऊपर की साइड में निकल चुका। अब देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट आज दे दिया है, तो कल यहाँ पे एक ही चीज़ कल बनेगी, इसी फ्लो को अगर मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू करता है, अगर मार्केट कहीं 44,500 से लेकर के 44,600 के बीच में सुबह का एक घंटा टाइम बिता दे, ध्यान रखिएगा सुबह एक घंटे अगर इसमें इसके अंदर ही मार्केट टाइम बिता दे, और टाइम बिताने के बाद वापस ही इस रेंज को क्रॉस करेगा, तो मार्केट में एक 150 से 200 पॉइंट की और मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की साइड में दिख सकती है। या फिर मार्केट अगर 44,500-44,600 के बीच में टाइम बिताता है तो फिर शायद मार्केट इस जोन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज इसने मार्केट ने कोई भी पिछला लो ब्रेक नहीं किया है, तो पिछला लो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, तो ये जो होगा वो सपोर्ट रेंज भी कल के लिए रहेगा। ये जो जोन दिख रहा है, ये जोन मार्केट के लिए कल सपोर्ट का भी काम कर सकता है, कि मार्केट अगर नीचे की साइड में आता है तो ये जोन जो होगा वो सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 800-900 के आसपास गैप अप ओपन हो जाएगा, तो फिर शांति से बैठने का काम होगा। मान लीजिए अगर आप रोज 100 क्वांटिटी करते होंगे तो फिर आपको यहाँ पर 5 से 10 क्वांटिटी में ही टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि आज 700 पॉइंट की मूवमेंट, कल गैप अप 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाना, फिर यहां पे थोड़ा सा मार्केट वेट करेगा, क्योंकि 45,000 वापस इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर जैसे 45,022 के ऊपर निकलेगा, फिर मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद रेंज को ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको 100-150 पॉइंट वापस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने आज काफ़ी टाइम बिताया, जिस जोन में टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद इसको ऊपर की तरफ गए, तो जितने भी लोग आज बाइंग करके बैठे होंगे वो लोग यही ये लेवल जो होगा वो उनके एसएल का काम करेगा। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे बायर इसको कंट्रोल करते रहेंगे इंट्राडे में, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। और ऊपर की साइड में 44,888 से लेकर के 45,000, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने वाला है एक्सपायरी के दिन में। और काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज हो चुकी है, तो मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट होंगे नहीं, तो कल शॉर्ट कवरिंग मूव का यहाँ पर ज़्यादा बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग मूव आज ही बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दे दिया है। तो कल मार्केट में शॉर्ट नहीं, नई खरीदारी बनेगी, तो ही मार्केट कल ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।